पड़ा से जहां पर कांग्रेस नेता और मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। अचेत अवस्था में विवेक के परिवार के लोग उन्हें अस्पताल में लाए थे, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मांडलगढ़ से पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत की यह खबर है। धाकड़ की मौत से भीलवाड़ा में शोक की लहर है, राजनीतिक हलकों में बड़ा दुख छाया हुआ है। आपको बता दें कि अचेत अवस्था में उनके परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उनकी मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और किन कारणों के चलते उनकी जान चली गई। आपको बता दें कि विवेक धाकड़ इससे पहले विधायक रह चुके हैं और विवेक धाकड़ की मौत के बाद न केवल उनके परिवार में बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए, उस विधानसभा क्षेत्र में पूरा अभी आप देखिए जो माहौल है वो गमगीन है। और बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे वो अपने घर पर मिले और इसके बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी मौत के कारण को स्पष्ट नहीं समझा जा सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है पारिवारिक कलह की वजह से उनकी मौत हुई हो। आपको बता दें कि धाकड़ 2019 के उपचुनाव में मांडलगढ़ से विधायक चुने गए थे और इस वक्त मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उनके समर्थक हैं उनमें शोक की लहर है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोपाल शर्मा से विवेक धाकड़ हार गए थे और विवेक धाकड़ का जो पॉलिटिकल करियर रहा वो इन दो चुनावों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मेरे सहयोगी दिलशाद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे दिलशाद का रुख करते हैं। दिलशाद, मौत का कारण क्या रहा, अभी तक स्पष्ट हो पाया क्या या अंदेशा क्या है, अगर अंदेशा या कोई संभावना जताई जा रही हो सूत्रों के हवाले से? जी बिल्कुल, मौत के कारणों का भी स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में जो है परिजन उनको महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनके शव को जो है वो महात्मा गांधी चिकित्सालय की मॉर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। सुभाष नगर थाना पुलिस और भीमगंज थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस का यह कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत के क्या कुछ कारण रहे। फिलहाल पुलिस जो है प्रारंभिक कार्रवाई जो है कागजी कार्रवाई उसे पूरा करने में लगी हुई है। जी दिलशाद, क्या विवेक धाकड़ के परिवार के लोगों से आपका कोई संपर्क हो सका, क्योंकि परिवार में माहौल कैसा था, परिवार में आपसी संबंध कैसे थे, इसको लेकर अगर कोई जानकारी आपके पास हो? जी बिल्कुल, हम उनके सुभाष नगर स्थित आवास पर भी पहुंचे थे, जहां उनके पिताजी जो है कन्हैयालाल धाकड़ वो हमें मिले। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का जवाब देने से फिलहाल मना कर दिया। समझा जा सकता है कि बेटे के जाने का उन्हें दुख है। हाँ। अभी कुछ भी उनका कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुलिस का भी यही कहना है कि जब तक परिजनों की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का कारण मान रही है। जी ठीक है, लेकिन अगर मौत के कारण के बारे में आपको कोई जानकारी हाथ लगे या परिवार की ओर से बातचीत के बाद अगर कोई अंदेशा भी आपको पता लगे तो जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए।